हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल ओ एट से गर्ल जो में। तो दोस्तों, वीडियो पूरा देखें ताकि कोई भी वैकेंसी आपसे मिस ना हो। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दें, दोस्तों के साथ शेयर कर दें। चैनल पर पहली बार चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लें ताकि जब भी हम नई वैकेंसी लिखें उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। दोस्तों, सबसे पहले वैकेंसी आई है, आप देखो सऊदी अरबिया की, 22 तारीख को इसका इंटरव्यू चलने वाला है। ऑयल एंड गैस एक्सपीरियंस वाले अप्लाई कर सकते हैं। इसमें इंस्टॉलेटर चाहिए, क्लेडर चाहिए, स्प्रे पेंटर चाहिए, सैंड ब्लास्टर चाहिए, फ्लोर कोटिंग मेसन चाहिए एंड फिनिशिंग मेसन चाहिए फायर प्रूफिंग वाले। तो दोस्तों, जो भी कैंडिडेट अप्लाई करना चाहता है, नीचे नंबर दिया गया, कॉल कीजिए, इंक्वायरी कीजिए अपनी जॉब के रिगार्डिंग। और अपना पीडीएफ फाइल भी आप बना के सेंड कर सकते हैं दिए गए ईमेल आईडी पे, वहाँ से भी आपको रिप्लाई मिल जाएगा जब भी इसका फाइनल कराएंगे इंटरव्यू का। सभी कैंडिडेट को दोस्तों रेटरफील्ड का एक्सपीरियंस होना चाहिए, गल्फ का एक्सपीरियंस होना चाहिए, डिप्लोमा डिग्री होनी चाहिए, ऑयल एंड गैस का भी एक्सपीरियंस होना चाहिए। बढ़ते दोस्तों नेक्स्ट वैकेंसी की तरफ। नेक्स्ट वैकेंसी आप देख रहे हो, ये भी वैकेंसी दोस्तों सऊदी अरबिया की आई है, अर्जेंट रिक्वायरमेंट है, ऑयल एंड गैस प्रोजेक्ट है। इसका भी 22 से लेकर 25 तक इंटरव्यू चलने वाला है। जो भी कैंडिडेट अप्लाई करना चाहता है दोस्तों, आप देखोगे इसमें पोजीशन की बात करें तो पाइप फिटर चाहिए, हाइड्रोजेटर्स चाहिए एंड बंडल पुलर ऑपरेटर चाहिए एंड कैटलिस्ट टेक्नीशियन चाहिए, हैवी ड्राइवर चाहिए जिसके पास सऊदी का लाइसेंस है वैलिड वाला, मोबाइल क्रेन ऑपरेटर चाहिए अरामको अप्रूव्ड वाले, मैकेनिकल इंजीनियर चाहिए, हीट एक्सचेंजर एक्सपीरियंस वाले। तो दोस्तों, ये सभी पोजीशन है। जो भी कैंडिडेट अप्लाई करना चाहता है, नीचे ईमेल आईडी दे गया, उस पर अपना पीडीएफ फाइल बना के सेंड कर देना, आपका वहाँ से रिप्लाई मिल जाएगा। इसका जूम इंटरव्यू होगा, ऑनलाइन इंटरव्यू होगा। सभी कैंडिडेट को दोस्तों रेटरफील्ड का एक्सपीरियंस होना चाहिए, गल्फ का भी एक्सपीरियंस होना चाहिए, डिप्लोमा डिग्री भी होनी चाहिए। तो दोस्तों बढ़ते हैं नेक्स्ट वैकेंसी की तरफ। नेक्स्ट वैकेंसी आप देख रहे हो, ये भी सऊदी अरबिया की ही रिक्वायरमेंट है। इसका इंटरव्यू दोस्तों 22 तारीख को होने वाला है, 20, 22, 23, तो कई दिन इंटरव्यू चलने वाले इसके। तो जो भी कैंडिडेट अप्लाई करना चाहता है आप देख लेना, ये सऊदी अरबिया के रिक्वायरमेंट ग्रुप वीजा रेडी है और जल्दी फ्लाइट हो जाएगा। इसमें दोस्तों सर्टिंग कारपेंटर चाहिए, स्टील फिक्चर चाहिए, मेसन चाहिए, चार्ज हैंड स्टील फिक्चर वाले चाहिए, चार्ज हैंड मेसन वाले चाहिए, चार्ज हैंड सर्टिंग कारपेंटर वाले चाहिए एंड पाइप फैब्रिकेटर चाहिए, पाइप फिटर चाहिए, लेयर्स वाले चाहिए, टिक एंड एआरसी वेल्डर चाहिए, जी6G वाले, मिली ब्राइट फिटर चाहिए एंड चार्ज हैंड पाइपिंग वाले चाहिए, चार्ज हैंड वेल्डिंग वाले भी चाहिए, चार्ज हैंड मिली ब्राइट वाले भी चाहिए एंड स्टील स्ट्रक्चरल फैब्रिकेटर चाहिए, स्काफोल्डर चाहिए, स्टील इरेक्टर चाहिए, रीगर चाहिए, चार्ज हैंड स्टील इरेक्टर वाले चाहिए, चार्ज हैंड रीगिंग वाले भी चाहिए। जो भी कैंडिडेट अप्लाई करना चाहता है दोस्तों, उसको रेटरफील्ड का एक्सपीरियंस होना चाहिए, गल्फ का एक्सपीरियंस होना चाहिए, डिप्लोमा डिग्री होनी चाहिए। बाकी दोस्तों नीचे ईमेल आईडी दे गया, उस पर अपना पीडीएफ फाइल अपना आप सेंड कर देना, वहाँ से भी आपको रिप्लाई मिल जाएगा जब इसका फाइनल क्लाइंट इंटरव्यू होगा। तो अच्छी रिक्वायरमेंट है दोस्तों। बढ़ते दोस्तों नेक्स्ट वैकेंसी की तरफ। नेक्स्ट वैकेंसी आप देख रहे हो, ये अबू धाबी की रिक्वायरमेंट है और ये लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट है, ऑयल एंड गैस से पेट्रोकेमिकल प्लांट है दोस्तों। और इसमें दोस्तों पोजीशन की बात करें तो इसमें हैवी सुपरवाइजर चाहिए जिसका डिप्लोमा हो विथ चिल्लर एक्सपीरियंस एंड सीनियर हैवी टेक्नीशियन चाहिए डिप्लोमा और ITI विथ चिल्लर एक्सपीरियंस वाले, एंड हैवी टेक्नीशियन चाहिए डिप्लोमा एंड ITI विथ चिल्लर एक्सपीरियंस वाले। तो दोस्तों 3-4 पोजीशन की रिक्वायरमेंट है। और जो भी कैंडिडेट अप्लाई करना चाहता है, उसको रेटरफील्ड का एक्सपीरियंस होना चाहिए, गल्फ का एक्सपीरियंस होना चाहिए, डिप्लोमा डिग्री भी होनी चाहिए। बाकी दोस्तों आप देखोगे नीचे ईमेल आईडी दिया गया, उस पर अपना पीडीएफ फाइल बना के सेंड कर देना, वहाँ से आपको रिप्लाई मिल जाएगा जब इसका फाइनल क्लाइंट इंटरव्यू होगा। और एक बात का और ध्यान रखना दोस्तों, कैंडिडेट को इंग्लिश भी आनी चाहिए, थोड़ी बहुत इंग्लिश आनी चाहिए, काम चलाओ। बढ़ते दोस्तों नेक्स्ट वैकेंसी की तरफ। नेक्स्ट वैकेंसी आप देख रहे हो, ये भी अच्छी रिक्वायरमेंट आई है दोस्तों। ये है AI यामाहा कंपनी है और फैसिलिटी मैनेजमेंट प्रोजेक्ट है दोस्तों। इसमें देखोगे तो आप सीनियर हैवी टेक्नीशियन चाहिए एंड हैवी चिल्लर टेक्नीशियन चाहिए, डायरेक्ट डिजिटल कंट्रोल टेक्नीशियन चाहिए एंड MBB टेक्नीशियन चाहिए इलेक्ट्रिकल वाले, एंड BMS ऑपरेटर चाहिए, लेथ मशीन ऑपरेटर भी चाहिए। तो दोस्तों ये सही पोजीशन है। जो भी कैंडिडेट अप्लाई करना चाहता है दोस्तों, उसको रेटरफील्ड का एक्सपीरियंस होना चाहिए, गल्फ का एक्सपीरियंस होना चाहिए, डिप्लोमा डिग्री भी होनी चाहिए। और इसका 21 तारीख को इंटरव्यू होने वाला है दोस्तों, तो आप एक बार कॉल करके इंक्वायरी कर लेना अपनी जॉब के रिगार्डिंग और अपना पीडीएफ फाइल भी आप बना के सेंड कर देना। कई बार इसका शॉर्ट लिस्टिंग होता है, उसके बाद इंटरव्यू होता है, तो एक बार कॉल करके इंक्वायरी जरूर कीजिए। और हैदराबाद में जो भी कैंडिडेट है अभी, वो डायरेक्ट ऑफिस भी जा सकते हैं, ऑफिस का एड्रेस भी दिया गया है। तो दोस्तों बढ़ते हैं नेक्स्ट वैकेंसी की तरफ। नेक्स्ट वैकेंसी आप देख रहे हो, ये भी अच्छी रिक्वायरमेंट है दोस्तों। वही यामाहा कंपनी है, AI यामाहा कंपनी, फैसिलिटी मैनेजमेंट प्रोजेक्ट है दोस्तों। और इसमें आप देखोगे तो हैवी इंजीनियर चाहिए, इलेक्ट्रिकल इंजीनियर चाहिए, मैकेनिकल इंजीनियर चाहिए, प्लानिंग इंजीनियर चाहिए, इलेक्ट्रिकल सुपरवाइजर चाहिए एंड मैप सुपरवाइजर चाहिए। तो जो भी कैंडिडेट अप्लाई करना चाहता है दोस्तों, उसको रेटरफील्ड का एक्सपीरियंस होना चाहिए, गल्फ का भी एक्सपीरियंस होना चाहिए, डिप्लोमा डिग्री भी होनी चाहिए। बाकी दोस्तों आप देखोगे तो इसमें नीचे नंबर दिया गया, कॉल करके इंक्वायरी कर सकते हैं अपनी जॉब के रिगार्डिंग और अपना पीडीएफ फाइल भी आप बना के सेंड कर सकते हैं दिए गए ईमेल आईडी पे, वहाँ से भी आपको रिप्लाई मिल जाएगा जब इसका फाइनल क्लाइंट इंटरव्यू होगा। इसका दोस्तों हैदराबाद में इंटरव्यू होने वाला है और आप एक बार कॉल करके पूछ लेना, क्योंकि कई जगह इंटरव्यू होते हैं कंपनी के, तो कई बार शॉर्ट लिस्टिंग होता है, उसके बाद में इंटरव्यू होता है, तो आप एक बार कॉल करके इंक्वायरी कर लेना अपनी जॉब के रिगार्डिंग। तो दोस्तों बढ़ते हैं नेक्स्ट वैकेंसी की तरफ। नेक्स्ट वैकेंसी आप देख रहे हो, ये अर्जेंटली रिक्वायरमेंट है फॉर ए लीडिंग हॉस्पिटलिटी इंडस्ट्री इन कुवैत की रिक्वायरमेंट आई है दोस्तों। और इसमें आप देखोगे तो बेकरी सॉस चीफ चाहिए एंड रेस्टोरेंट सुपरवाइजर चाहिए
एंड कमिस वाले चाहिए एंड लाइट ड्राइवर चाहिए। तो चार पांच पोजीशन है दोस्तों, जो भी कैंडिडेट अप्लाई करना चाहता है उसको रेटर फील्ड का एक्सपीरियंस होना चाहिए, गल्फ का एक्सपीरियंस होना चाहिए, डिप्लोमा डिग्री होनी चाहिए, और जो ड्राइवर है उनको पास ड्राइविंग का लाइसेंस भी होना चाहिए, गल्फ का वैलिड एक्सपायर दोनों चलेगा। और दोस्तों लार्ज नंबर वैकेंसी है, जल्दी फ्लाइट हो जाएगा आपका, शॉर्टलिस्टिंग इसकी चालू हो चुकी है, तो नीचे नंबर दिया गया है, कॉल करके इंक्वायरी कीजिए अपने जॉब के रिगार्डिंग, और अपना पीडीएफ फाइल भी आप बना के सेंड कर सकते हैं दिए गए ईमेल आईडी पे, वहां से भी आपको रिप्लाई मिल जाएगा जब इसका फाइनल क्लाइंट इंटरव्यू होगा। तो दोस्तों बढ़ते हैं नेक्स्ट वैकेंसी की तरफ। नेक्स्ट वैकेंसी आप देख रहे हो, ये भी सऊदी अरबिया की रिक्वायरमेंट आई है, ये NADEC नेशनल एग्रीकल्चर डेवलपमेंट कंपनी है, वन ऑफ द लीडिंग FMCG कंपनी रिक्वायर्ड है दोस्तों। इसमें पोटैटो कल्टीवेशन स्पेशलिस्ट चाहिए एंड इलेक्ट्रिकल पिवोट टेक्नीशियन चाहिए एंड वर्कशॉप सुपरवाइजर चाहिए एंड पिवोट टेक्नीशियन चाहिए एंड लीव स्टॉक फर्म मेंटेनेंस से टीम लीडर चाहिए एंड सिलो इक्विपमेंट ऑपरेटर चाहिए, डेयरी मशीन ऑपरेटर चाहिए, फार्मिंग इक्विपमेंट ऑपरेटर चाहिए एंड मेंटेनेंस एंड फैसिलिटी टीम लीडर चाहिए एंड मैकेनिकल टेक्नीशियन चाहिए एंड मशीन ऑपरेटर चाहिए, फीडिंग इक्विपमेंट ऑपरेटर चाहिए एंड इलेक्ट्रिकल टेक्नीशियन चाहिए, वर्कशॉप टेक्नीशियन चाहिए डेयरी के लिए एंड मेंटेनेंस टेक्नीशियन चाहिए एंड टेट्रा पैक एंड कॉम्बी फिलर मशीन टेक्नीशियन चाहिए एंड हैवी व्हीकल टेक्नीशियन चाहिए। तो दोस्तों ये सभी रिक्वायरमेंट है। जो भी कैंडिडेट अप्लाई करना चाहता है दोस्तों उसको रेटर फील्ड का एक्सपीरियंस होना चाहिए, गल्फ का एक्सपीरियंस होना चाहिए, डिप्लोमा डिग्री होनी चाहिए और ऑपरेटर के लिए लाइसेंस वगैरह भी जो रिक्वायर्ड है वो आपके पास होना चाहिए। बाकी दोस्तों नीचे नंबर दिया गया, एक बार कॉल करके इंक्वायरी करें अपनी जॉब के रिगार्डिंग, और अपना पीडीएफ फाइल भी आप बना के सेंड कर सकते हैं दिए गए ईमेल आईडी पे, वहां से भी आपको रिप्लाई मिल जाएगा जब इसका फाइनल क्लाइंट इंटरव्यू होगा। तो दोस्तों बढ़ते हैं नेक्स्ट वैकेंसी की तरफ। नेक्स्ट वैकेंसी आप देख रहे हो, ये भी अच्छी रिक्वायरमेंट है, सऊदी अरबिया की रिक्वायरमेंट है दोस्तों, और इसमें आप देखोगे तो क्रेन ऑपरेटर चाहिए, क्रेवलर क्रेन ऑपरेटर एंड टेयरिंग वाले भी अप्लाई कर सकते हैं एंड क्रेन इलेक्ट्रीशियन चाहिए एंड क्रेन मैकेनिक्स चाहिए। तो दोस्तों ये सभी पोजीशन है। जो भी कैंडिडेट अप्लाई करना चाहता है दोस्तों उसको रेटर फील्ड का एक्सपीरियंस होना चाहिए, गल्फ का एक्सपीरियंस होना चाहिए, डिप्लोमा डिग्री भी होनी चाहिए और बाकी इंडियन एक्सपीरियंस वाले भी अप्लाई कर सकते हैं दोस्तों। तो बाकी नीचे ईमेल आईडी दिया गया, उस पर अपना पीडीएफ फाइल बना के सेंड कर देना, वहां से भी आपको रिप्लाई मिल जाएगा जब भी इसका फाइनल क्लाइंट इंटरव्यू होगा। तो दोस्तों बढ़ते हैं नेक्स्ट वैकेंसी की तरफ। नेक्स्ट वैकेंसी आप देख रहे हो, ये ओमान की रिक्वायरमेंट आई है और ये दोस्तों पेट्रोकेमिकल मेंटेनेंस प्रोजेक्ट है। तो इसमें दोस्तों मेंटेनेंस सुपरवाइजर चाहिए, इलेक्ट्रिकल सुपरवाइजर चाहिए, इंस्ट्रूमेंटेशन चार्जन चाहिए एंड मैकेनिकल चार्जन चाहिए, हैवी टेक्नीशियन चाहिए एंड हैवी इलेक्ट्रीशियन चाहिए। तो ये सभी पोजीशन है दोस्तों। जो भी कैंडिडेट अप्लाई करना चाहता है उसको रेटर फील्ड का एक्सपीरियंस होना चाहिए, गल्फ का एक्सपीरियंस होना चाहिए, डिप्लोमा डिग्री भी होनी चाहिए और आप नीचे देखोगे तो इसमें जॉब रेस्पॉन्सिबिलिटी ड्यूटी कंडीशन सभी दी गई हैं। तो इसको एक बार रीड कर लेना, पढ़ लेना आप, और बाकी जो भी कैंडिडेट अप्लाई करना चाहता है दोस्तों नीचे ईमेल आईडी भी दिया गया, उस पर अपना पीडीएफ फाइल बना के सेंड कर देना, वहां से भी आपको रिप्लाई मिल जाएगा जब इसका फाइनल क्लाइंट इंटरव्यू होगा। तो दोस्तों बढ़ते हैं नेक्स्ट वैकेंसी की तरफ। नेक्स्ट वैकेंसी आप देख रहे हो, कतर की रिक्वायरमेंट है, लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट है फॉर मेरीन फैब्रिकेशन यार्ड का रिक्वायरमेंट। इसका 22 तारीख को इंटरव्यू चलने वाला है और फ्री रिक्वायरमेंट है दोस्तों, और इसमें कतर का और भी रिक्वायरमेंट है, लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट है, फाइन डाइन रेस्टोरेंट का रिक्वायरमेंट है और आप देखोगे तो इसमें बहुत सारी पोजीशन दी गई हैं। तो कतर की बात करें तो दोस्तों इसमें स्ट्रक्चरल सुपरवाइजर चाहिए, फॉरमैन चाहिए, चार्जन चाहिए, फैब्रिकेटर पाइप वाले चाहिए एंड स्ट्रक्चरल वाले चाहिए, ओवरहेड क्रेन ऑपरेटर भी चाहिए जिसके पास कतर का वैलिड लाइसेंस है एंड इसमें रेस्टोरेंट मैनेजर सुपरवाइजर भी चाहिए, वेटर चाहिए, नॉर्थ इंडियन चाइनीज वाले चाहिए, हेड चीफ एंड कुक चाहिए एंड मैकेनिकल टेक्नीशियन चाहिए एंड बोल्ट टर्क्यू एंड टेंशनिंग टेक्नीशियन चाहिए एंड इंजीनियरिंग इंजीनियर चाहिए, प्लानिंग वाले चाहिए एंड एस्टिमेशन वाले भी चाहिए। तो दोस्तों ये सभी पोजीशन है। जो भी कैंडिडेट अप्लाई करना चाहता है नीचे देखोगे तो नंबर दिया गया, कॉल करके इंक्वायरी कर लेना अपनी जॉब के रिगार्डिंग, अपना पीडीएफ फाइल आप बना के सेंड कर सकते हैं दिए गए ईमेल आईडी पे, वहां से भी आपको रिप्लाई मिल जाएगा जब इसका फाइनल क्लाइंट इंटरव्यू होगा। दोस्तों ये फ्री रिक्वायरमेंट है, इसका कोई चार्ज आपका लगने वाला नहीं है, तो अच्छी रिक्वायरमेंट, इसका बेनिफिट उठाइए। तो दोस्तों बढ़ते हैं नेक्स्ट वैकेंसी की तरफ। नेक्स्ट वैकेंसी आप देख रहे हो, सऊदी अरबिया की रिक्वायरमेंट आई है, इसका भी 22 तारीख को इंटरव्यू चलने वाला है दोस्तों। तो ये वेल रिपोर्टेड कंपनी है और जो भी कैंडिडेट अप्लाई करना चाहता है दोस्तों, पोजीशन की बात करें तो नीचे देखोगे प्रोजेक्ट मैनेजर चाहिए, क्यूबिक क्यूसी मैनेजर चाहिए एंड क्यूसी इंस्पेक्टर चाहिए, सिविल वाले क्यूसी इंस्पेक्टर चाहिए, मैकेनिकल वाले क्यूसी इंस्पेक्टर चाहिए, इलेक्ट्रिकल वाले क्यूसी इंस्पेक्टर चाहिए, इंस्ट्रूमेंट के लिए एचएससी ऑफिसर भी चाहिए, वर्क परमिट रिसीवर चाहिए, प्रोजेक्ट एडमिन वाले चाहिए, डॉक्यूमेंट कंट्रोलर चाहिए, सिविल इंजीनियर चाहिए, मैकेनिकल इंजीनियर चाहिए, इंस्ट्रूमेंट इंजीनियर चाहिए, प्रोजेक्ट प्लानर चाहिए, क्वांटिटी सर्वे वाले चाहिए, कंस्ट्रक्शन मैनेजर चाहिए, एचएससी मैनेजर चाहिए, सेफ्टी इंजीनियर चाहिए एंड इलेक्ट्रिकल इंजीनियर चाहिए, लैंड सर्वेयर वाले चाहिए। तो दोस्तों बहुत सारी पोजीशन है। जो भी करंट अप्लाई करना चाहता है उसको रेटर फील्ड का एक्सपीरियंस होना चाहिए, गल्फ का एक्सपीरियंस होना चाहिए, डिप्लोमा डिग्री भी होनी चाहिए। बाकी दोस्तों आप देखोगे नीचे नंबर दिया गया, कॉल करके इंक्वायरी कीजिए पहले अपने जॉब के रिगार्डिंग, उसके बाद ही अप्लाई कीजिएगा अपने जॉब के रिगार्डिंग। नीचे ईमेल आईडी भी दिया गया, उस पर अपना पीडीएफ फाइल भी आप बना के सेंड कर सकते हैं, वहां से भी आपको रिप्लाई मिल जाएगा जब इसका फाइनल क्लाइंट इंटरव्यू होगा। तो अच्छी रिक्वायरमेंट दोस्तों। बढ़ते हैं नेक्स्ट वैकेंसी की तरफ।
दोस्तों नेक्स्ट जो वैकेंसी आप देख रहे हो ये अपॉर्चुनिटी आई है, लार्जेस्ट प्राइवेट हॉस्पिटल है दोस्तों सऊदी अरबिया का, और इसका फ्री रिक्वायरमेंट है, आपका कोई चार्ज लगने वाला नहीं है। तो इसमें स्टाफ चाहिए, नर्स वाले, नर्स के लिए स्टाफ है दोस्तों। इसमें ब्यूटी सेंटर के लिए चाहिए, एंड कैच लैब के लिए चाहिए, सीसीयू के लिए चाहिए, ईसीयू के लिए चाहिए, इमरजेंसी रूम के लिए चाहिए, एंड इंडोस्कोपी के लिए चाहिए, इंडो एंड डे सर्जरी यूनिट्स के लिए चाहिए, फीमेल वार्ड के लिए चाहिए, एंड हेमोडायलिसिस के लिए चाहिए, एंड आईसीयू के लिए चाहिए, इन वेट्रो फर्टिलाइजेशन के लिए चाहिए, लेबर एंड डिलीवरी के लिए चाहिए, मेल वार्ड के लिए चाहिए, मेडिकल आईपी वाले चाहिए, एंड एनआईसीयू वाले चाहिए, नर्सरी वाले चाहिए, एंड ओबी ज्ञानी वाले चाहिए, एंड ओनकोलॉजी वाले चाहिए, ऑपरेटिंग रूम वाले चाहिए, एंड आउट पेशेंट डिपार्टमेंट के लिए चाहिए, एंड पेडियाट्रिक वाले चाहिए, एंड पीआईसीयू वाले चाहिए, एंड रेडियोलॉजी वाले चाहिए, रिकवरी रूम के लिए चाहिए, एंड स्टेप डाउन आईसीयू वाले चाहिए, एंड स्टोरेज की यूनिट के लिए चाहिए, एंड सर्जल आईपी वाले चाहिए, सर्जिकल आईपी वाले, एंड वीआईपी वाले चाहिए। तो फीमेल चाहिए दोस्तों, जो भी कैंडिट अप्लाई करना चाहता है उसको डॉक्टर फिल का एक्सपीरियंस होना चाहिए, गल्फ का एक्सपीरियंस होना चाहिए, डिप्लोमेटिक यूनिट चाहिए। बाकी दोस्तों सभी जगह का एड्रेस दिया गया है, मुंबई, चेन्नई, कोची का नीचे नंबर दिया गया, कॉल करके इंक्वारी करना, अपने जॉब के रिगार्डिंग अपना पीडीएफ फाइल भी अपना सेंड कर सकते हैं दिए गए ईमेल आईडी पे, वहाँ से भी आपको रिप्लाई मिल जाएगा जब इसका फाइनल क्लाइंट इंटरव्यू होगा। तो दोस्तों बढ़ते हैं नेक्स्ट वैकेंसी की तरफ। नेक्स्ट वैकेंसी आप देख रहे हो ये हायरिंग फॉर ऑयल एंड गैस पेट्रोकेमिकल प्रोजेक्ट है ओमान के लिए, और इसमें आप देखोगे तो सीनियर कॉन्ट्रैक्ट्स वाले चाहिए, एंड क्यूएसए एस्टिमेशन इंजीनियर चाहिए, प्लानिंग इंजीनियर चाहिए, प्रपोजल टेंडरिंग वाले चाहिए, कास्टिंग इंजीनियर। तो दोस्तों जो भी कैंडिडेट अप्लाई करना चाहता है उसको रेडर फील्ड का एक्सपीरियंस होना चाहिए, गल्फ का एक्सपीरियंस होना चाहिए, डिप्लोमेटिक भी होनी चाहिए। बाकी नीचे नंबर दिया गया है, कॉल करना, इंक्वारी करना, अपने जॉब करेगा, अपना पीडीएफ फाइल भी आप बना के सेंड कर सकते हैं दिए गए ईमेल आईडी पे, वहाँ से भी आपको रिप्लाई मिल जाएगा जब इसका फाइनल क्लाइंट इंटरव्यू होगा। तो दोस्तों बढ़ते हैं नेक्स्ट वैकेंसी की तरफ। नेक्स्ट वैकेंसी आप देख रहे हो फॉर ए लीडिंग ऑटोमोबाइल कंपनी है, हैवी व्हीकल डिपार्टमेंट है ओमान का, और फ्री रिक्वायरमेंट है दोस्तों, इसका कोई चार्ज आपका लगने वाला नहीं है। तो इसमें प्रोडक्ट मैनेजर चाहिए, सेल्स मैनेजर चाहिए, सेल्स एग्जीक्यूटिव चाहिए, प्रोडक्ट एग्जीक्यूटिव चाहिए, मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव चाहिए। तो दोस्तों जो भी कैंडिडेट अप्लाई करना चाहता है उसको रेड एफएल का एक्सपीरियंस होना चाहिए, गल्फ का एक्सपीरियंस भी होना चाहिए, डिप्लोमा डिग्री होनी चाहिए। बाकी नीचे नंबर दिया गया है, कॉल करके इंक्वायरी कीजिए, अपनी जॉब के रिगार्डिंग अपना पीडीएफ फाइल भी आप बना के सेंड कर सकते हैं दिए गए ईमेल आईडी पे, वहाँ से भी आपको रिप्लाई मिल जाएगा जब इसका फाइनल क्लाइंट इंटरव्यू होगा। तो दोस्तों बढ़ते हैं नेक्स्ट वैकेंसी की तरफ। नेक्स्ट वैकेंसी आप देख रहे हो ये भी फ्री रिक्वायरमेंट है दोस्तों, और सॉलिसिटिंग चालू हो चुकी है, कतर का क्यूकॉन कंपनी है दोस्तों, और 23 तारीख को इसका इंटरव्यू चलने वाला है। इसमें रिगर चाहिए, रिगिंग सुपरिटेंडेंट चाहिए, रिगिंग सुपरवाइजर चाहिए, रिगिंग फॉरमैन चाहिए, चार्जेंट चाहिए, ओवरहेड क्रेन ऑपरेटर चाहिए। एंड इसी में दोस्तों सऊदी अरबिया का रिक्वायरमेंट है, रिगर चाहिए, रिगर 3 लेवल वाले चाहिए, पाइप ड्राफ्ट्समैन चाहिए, रिगर चाहिए, सुपरवाइजर चाहिए, फॉरमैन चाहिए, चार्जेंट चाहिए, टैंक कंस्ट्रक्शन मैनेजर चाहिए, सुपरवाइजर चाहिए, फैब्रिकेटर वाले चाहिए, इंजीनियर चाहिए, स्केडा एंड प्रोक्योरमेंट वाले चाहिए, हाइड्रो टेस्ट इंजीनियर चाहिए, सुपरवाइजर चाहिए, एंड इन्वेंट्री कंट्रोलर चाहिए, एंड स्ट्रक्चरल सुपरवाइजर चाहिए, फॉरमैन चाहिए, फैब्रिकेटर वाले चाहिए, एंड ऑटोमेटिक वेल्डर चाहिए, टर्नर वाले चाहिए, मैकेनिक चाहिए, फायर होल वाचर चाहिए, एंड ऑपरेटर चाहिए, मेन लिफ्ट और फोरक्लिप क्रेन वाले। तो जो भी अप्लाई करना चाहता है दोस्तों उसको रेडफील्ड का एक्सपीरियंस होना चाहिए, गल्फ का एक्सपीरियंस भी होना चाहिए, डिप्लोमा डिग्री होनी चाहिए। बाकी दोस्तों नीचे नंबर दिया गया, कॉल करके इंक्वायरी कीजिए, अपने जॉब के रिगार्डिंग अपना पीडीएफ फाइल भी आप बना के सेंड कर सकते हैं दिए गए ईमेल आईडी पे, वहां से भी आपको रिप्लाई मिल जाएगा जब